पढ़ाया था प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज होगा टेंस का अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब प्रयोग होता है? इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब भविष्य में दी गई अवधि के बाद भी कोई कार्य जारी रहे, भविष्य में दी गई अवधि के बाद भी कोई कार्य जारी रहे तब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ये कैसे होता है, इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके वाक्य के अंत में आता है। पहला नियम यह है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन का भी हो सकता है कुछ परिस्थितियों में, शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके बाद यदि हम फॉर और सिंस को देखें तो फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे सेकंड के लिए, मिनट के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए, सप्ताहों के लिए, महीनों के लिए और वर्षों के लिए फॉर का प्रयोग होगा। और सिंस का प्रयोग होगा जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। यदि हम देखें अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को तो ये देखें, आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बाय 5 o'clock। अब इसके गूढ़ अर्थ को देखें, वैसे तो इसका अर्थ है कि मुझे शाम के 5 बजे तक पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे या 2 घंटे हो रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ यही है कि मुझे शाम को 5 बजे तक पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे, किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे। आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बाई 5 o'clock, मुझे शाम मुझे 5 बजे तक पढ़ते किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे। अब यदि इसके नेगेटिव को देखें तो इसके नेगेटिव में शैल के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल के बाद नॉट लगेगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बाय 5 o'clock। इसके बाद यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो शैल आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बाय 5 o'clock, क्या मुझे किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे 5 बजे तक। इसी प्रकार से यदि क्यों लगाएं इसमें, यानी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करें, वाई का प्रयोग करें, वाई शैल आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बाय 5 o'clock, मुझे 2 घंटे हो जाए, मुझे किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएंगे शाम के 5 बजे तक, क्यों, मुझे क्यों 2 घंटे हो जाएंगे किताब पढ़ते पढ़ते शाम के 5 बजे तक। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू।